हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे, पाठ 11 सुनीता अंतरिक्ष में। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। क, हमारी पृथ्वी कहाँ स्थित है? तो सही विकल्प है अंतरिक्ष में। दूसरा, ख डैश पृथ्वी का परिवार है। तो सही विकल्प है सौरमंडल। ग, उस बल का नाम बताइए जिसके द्वारा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो सही विकल्प है पहला, गुरुत्वाकर्षण। घ, पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? तो सही विकल्प है पहला, सूरज। अड़, चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है? तो यहाँ सही विकल्प है पृथ्वी। च, इनमें से अंतरिक्ष में जाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सही विकल्प है सुनीता विलियम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में दिए गए संदेश पर कोई नारा या अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चित्र को देखते हुए कोई नारा या अनुच्छेद लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर नारा लिख रहा हूँ। पहला, जब रखोगे पर्यावरण का ख्याल तभी पृथ्वी होगी खुशहाल। दूसरा, जब पृथ्वी पर हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी। तो बच्चों, ये नारे मैंने लिखे हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार अन्य नारे या अनुच्छेद लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से सही पर सही व गलत पर गलत का निशान लगाइए। पहला, हम भोजन को अंतरिक्ष में आसानी से खा सकते हैं। गलत। दूसरा, अंतरिक्ष में बालों को कंघी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सही। तीसरा, अंतरिक्ष से विभिन्न देशों की राजनीतिक सीमाओं को देख सकते हैं। गलत। चौथा, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप मॉडल है। सही। पांचवा, पूर्णिमा को पूरा चंद्रमा एक प्लेट की तरह दिखाई देता है। सही। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, विचार कीजिए कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य समाप्त हो जाए तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य समाप्त हो जाएगा तो सभी चीज़ों का भार शून्य हो जाएगा और वे सभी तैरने लगेंगी। दैनिक जीवन के कार्य करना मुश्किल हो जाएंगे, जैसे बाल खड़े रहेंगे, खाना तैरते हुए खाना होगा, पानी की बूंदें तैरती रहेंगी, हम चल नहीं सकेंगे आदि। इस प्रकार से हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से ही हर चीज़ को अपनी तरफ खींच कर रखती है और इसके ना होने से हमें ये सभी परेशानियाँ होंगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। चित्र देखने के पश्चात चलिए अब दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। क, सूर्य और पृथ्वी का रंग बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सूर्य का रंग पीला और पृथ्वी का रंग नीला है। बच्चों, वास्तव में तो सूर्य का रंग सफ़ेद होता है, पर पृथ्वी पर प्रकीर्ण के कारण कभी वह लाल, कभी पीला, कभी केसरिया दिखता है। परंतु हम यहाँ चित्र देखकर सूर्य का रंग पीला लिखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। ख, चित्र में कुल कितने ग्रह दिए हुए हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, चित्र में 8 ग्रह हैं जो कि इस प्रकार हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ग, सूर्य की तरफ से गिनना आरंभ करें तो पृथ्वी कौन से नंबर क्रम का ग्रह है? तो यहाँ लिखेंगे, सूर्य की तरफ गिनने से पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, रात में आसमान आपको कैसा दिखाई देता है?
इसका चित्र बनाइए तथा रंग भरिए। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पिक्चर लगा दी है, जिसे देखकर आप आसानी से चित्र बना सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।